दोस्तों सनाया ईरानी एंटरटेनमेंट के छोटे प्लेटफॉर्म यानी कि टीवी इंडस्ट्री की वो हसीन अदाकारा रही हैं जिन्होंने अपने हर एक अंदाज और अदाकारा से दर्शकों का दिल जीतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए तो आज उन्हें टीवी इंडस्ट्री के टॉप लिस्टेड एक्ट्रेस कहा जाता है जिन्होंने छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी अपनी बेहतरीन अदाकारी का जलवा बखूबी बिखेरा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि पिछले 2 सालों से ये किसी भी फिल्म या फिर किसी सीरियल में नजर नहीं आ रही हैं। अब इनके अंदाजों को देखकर तो यही लग रहा है कि ये जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं। लेकिन क्या वाकई में सनाया ईरानी का फिल्मों में कमबैक करने का कोई प्लान है? और अगर है तो आखिरकार किस प्रोजेक्ट के साथ और कब ये बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी? आज की इस वीडियो में हम आपको सनाया ईरानी के इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो अगर आप भी इनके इसी फिल्म में प्लानिंग के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले आप इस खूबसूरत अदाकारा के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में खुशी कुमारी गुप्ता का किरदार निभाकर टीवी इंडस्ट्री में छा जाने वाली अभिनेत्री सनाया ईरानी ने साल 2006 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म फना से एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था, जिन्हें इनकी खास पहचान मिली सीरियल मिले जब हम तुमसे, जिसके बाद इन्हें छन छन और बे इंतहा जैसे और भी कई सीरियल्स में काम करने का सुनहरा मौका मिला। ये बॉलीवुड की भी कुछ चुनिंदा फिल्मों का हिस्सा रही है, लेकिन फिलहाल ये एक्टिंग की दुनिया से दूर बनी हुई है, जिन्हें लास्ट टाइम साल 2019 में आई फिल्म होस्ट में अभिनय करते हुए देखा जा चुका है। जिसके बाद अब फिलहाल तो ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि सनाया ईरानी अदर एक्ट्रेसेस की तरह एक बार फिर से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की प्लानिंग में हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो आपकी चहेती और फेवरेट अदाकारा यानी कि सनाया ईरानी ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर कुछ बातें की हैं और उन्होंने ये बताया है कि अब ये सीरियल्स में खुशी कुमारी गुप्ता और छन छन जैसे कई दूसरे किरदारों को निभाने से बोर हो गई हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इन्हें आज खुशी कुमारी गुप्ता के किरदार के लिए ही घर घर में जाना जाता है, लेकिन इनका ये साफ साफ कहना है कि अब ये अपने अभिनय करियर में कुछ नया और यूनिक करने की प्लानिंग में है। यही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि एक एक्टर को अपने अभिनय करियर में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, जैसा कि अब सनाया ईरानी भी अपने टीवी सीरियल्स के किरदारों से हटकर कुछ नया करना चाहती हैं जिसमें दर्शक भी काफी ज्यादा इन्हें पसंद करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि इन्हें वेब सीरीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बहुत ऑफर्स हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये वेब सीरीज का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इन्हें बॉलीवुड फिल्मों के लिए कोई बड़ा या फिर कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता है तो ये उस प्रोजेक्ट में काम करना बिल्कुल पसंद करेंगी। वेल सनाया की इन बातों से तो ये साफ जाहिर हो गया है कि वाकई में ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी हैं। बस जरूरत है तो एक अच्छे और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की जिससे कि ये दर्शकों को अपने नए अंदाज से इम्प्रेस कर पाए। तो दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है कि अगर सनाया ईरानी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने किसी प्रोजेक्ट से धमाकेदार एंट्री करती हैं तो क्या वाकई में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के आगे इनकी फीकी पड़ जाएंगी? आप क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही साथ ऐसे दिलचस्प वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।